हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आईब्रोज फिलिंग का मेथड बहुत ही इजीएस्ट वे में, क्योंकि जब तक हम लोग आईब्रोज को फिल नहीं कर लेते हैं किसी भी मेकअप के दौरान, किसी भी मेकअप के साथ, तब तक वो मेकअप कंप्लीट नहीं होता, तब तक हमारा फेस हमेशा इनकम्प्लीट ही दिखता है। और अगर आप मेकअप नहीं भी करते हो, अगर आप बिगनर हो, बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज करते हो, बहुत ही इजी पीजी वे में रेडी होना चाहते हो, तो बेस्ट टिप है ये कि आप आईब्रोज को फिल कर लो अपनी और हल्का सा लिपर कुछ अप्लाई कर लो और गुड टू गो। क्या होता है ना कि आईब्रोज जब तक हमारी थोड़ी सी भरी भरी सी नहीं लगती हैं, तब तक हमारा फेस अधूरा ही लगता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, मैंने आईब्रोज फिल सामने आईब्रोज को फिल करूंगी क्योंकि मुझे ये ट्यूटोरियल शूट करना था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ही मैं दो तीन तरह से फिल कर सकते हो। लाइक आप आईब्रो पेंसिल से यूज अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हो, या फिर आप ऐसा पोमेड कर सकते हो, और आप चाहो तो ये जेल यूज कर सकते हो। दोनों तरीके हैं आपके पास। ये है स्विस ब्यूटी का, और इस तरह के बहुत सारे आते हैं, आप जो भी चाहो आप अप्लाई कर सकते हो अपने आईब्रोज पर। और अगर आप इनमें से कुछ भी ना करना चाहो, तो आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट होगी जिसमें कि कुछ ऐसे शेड्स होते हैं, जैसे कि ये शेड है। अगर आपकी आईब्रोज का आईब्रोज के जो हेयर्स हैं वो अगर ब्राउन है तो आप ब्राउन शेड यूज कर सकते हो। अगर वो थोड़े कम ब्लैक हैं लेकिन ब्राउन नहीं है तो आप ग्रे कलर यूज कर सकते हो, और अगर वो एकदम ब्लैक हैं तो आप जेट ब्लैक भी यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि जेट ब्लैक जो होता है वो बहुत कम ही अमाउंट में हमें यूज। हमें चाहिए होता है इस तरह का एक एंगुलर ब्रश, क्योंकि इससे स्ट्रोक्स में जो हम आईब्रोज को फिल करेंगे तो इससे बड़ा इजी स्ट्रोक्स लग जाएंगे। जब भी हम लोग आईब्रोज फिल करते हैं, हम लोगों को क्या करना है कि ये जो फ्रंट सेक्शन है हमारी आईब्रोज का, इसको हम क्या करेंगे कि हम बहुत ही नेचुरल लुक लाने के लिए इस सेक्शन को हम लोग एकदम लास्ट में छुएंगे। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ आर्च से करेंगे, जो हमारी आईब्रोज की आर्च है वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे, देन फिल करेंगे दिस साइड, एंड फिर धीरे 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 करके इस तरफ बढ़ते जाएंगे। लाइक पहले हम आउटर साइड में फिल करेंगे, देन फिर हम धीरे धीरे करके इनर साइड में आते जाएंगे। आप अपने आईब्रोज को फिल करने जा रहे हो तो आप कोशिश करना कि जो आपकी नेचुरल शेप है उसी को आप फॉलो करना। कभी भी आप ओवर शेप मत करना। का कंसीलर ले सकते हो, कोई भी बीबी क्रीम ले सकते हो, कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो, और एक एक एकदम टाइनी सा लाइक इस तरह का, आप चाहो तो एंगुलर ब्रश भी एक ले सकते हो, और चाहो तो इस तरह का एक टाइनी ब्रश भी ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि अपनी आईब्रोज के आसपास, मैं अभी दिखाती हूँ,
आप अपने आईब्रोज को एकदम क्लीन लुक दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कंसीलर नहीं अप्लाई किया है, यहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है, उसके बाद आप थोड़ा सा डिफरेंस पाओगे कि यहाँ पे ये ब्राइटन अप होके आएगा। देन आप एक ब्रश के साथ, एक स्पूली के साथ अपने आईब्रोज को अच्छे से कॉम्ब कर लो। उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट इधर उधर बचा होगा, जो भी एक जगह पे डिपॉजिट हो गया होगा ब्रश के साथ, वो पूरे आईब्रोज में बराबर बराबर फैल जाएगा और ये आपका लुक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद आप दोबारा से मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।